हेलो फ्रेंड्स, दिस इज भाविन परमार एंड यू आर वेलकम इन परमार होममेड। और फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं दम आलू विथ ड्राई फ्रूट्स। सो लेट्स स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं दम आलू विथ ड्राई फ्रूट। तो देखते हैं हमारे पास कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं। ये हमने दो टमाटर लिए था, उसको हमने मिक्सर में क्रश कर लिया है। ये प्याज है दो, उसको भी हमने क्रश कर लिया था मिक्सर में। ये तड़के के लिए हमने प्याज लिए, उसको हमने बारीक काट लिया। ये दही है, योगर्ट है, चाट मसाला है, ये हमने गरम मसाला लिया है। ये हरी मिर्च और धनिया को हमने मिक्सर में क्रश कर लिया था, वो है। थोड़े से मटर लिए हैं और ये हमारे पास ग्रीन मिर्च है और ये टमाटर है, उसको हमने बारीक काट लिए हैं। ये ड्राई फ्रूट्स हैं हमारे काजू और बादाम, उसको अभी हमने मिक्सर में क्रश कर लिया था। ये हमारे पास मूंगफली है और मूंगफली को भी हमने क्रश कर लिया था मिक्सर में। ये तिल है, वो करीबन हमने 50 ग्राम के आसपास लिया था, उसको भी हमने मिक्सर में क्रश कर लिया है। और ये दम आलू का स्पेशल मसाला है, पाउडर मसाला, वो है, वो आपको बाजार में मिल जाएगा। ये लहसुन और आधो आधो मिन के अदरक का पेस्ट है और ये कड़ी पत्ता है हमारे पास। और हमारा दम आलू का मेन इंग्रेडिएंट आलू है, जिसको हमने बॉईल कर लिया है। सो फ्रेंड्स, बनाते हैं अब दम आलू। सो फ्रेंड्स, हमने कढ़ाई में थोड़ा सा तेल लिया और हमने फ्लेम को मीडियम ही रखा। अब हम इसमें प्याज डालेंगे। फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे, जैसे हमारी प्याज है वो जल ना जाए। इसको हम मिक्स कर देंगे धीरे से। प्याज को हमें थोड़ा ब्राउन होने तक ऐसे रखना है तेल में। और प्याज ब्राउन हो चुकी है, अब हम इसके अंदर थोड़ा सा जीरा डालेंगे और थोड़ी सी राई भी डालेंगे। अब हम इसके अंदर गरम मसाला डालेंगे, प्याज थोड़ी सी ब्राउन होने के बाद ही। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब हम इसके अंदर कड़ी पत्ते डालेंगे और अब हम अदरक और लहसुन की पेस्ट भी डालेंगे। इसको मिक्स कर देंगे। और अब हम इसके अंदर धनिया और हमने हरी मिर्च को क्रश किया था, वो डालेंगे। अब हम प्याज को डालेंगे, जो जिसको हमने मिक्सर में क्रश कर लिया था। फ्लेम को लो ही रखेंगे, जैसे हमारे मसाले वो जल ना जाए। अगर आपको ऐसा लगे कि ये जल रहा है तो थोड़ा पानी भी डाल सकते हैं, पर फ्लेम को धीमी ही रखना चाहिए, जैसे हमारे मसाले वो सभी जल ही ना जाए। और ये बहुत अच्छा दिख रहा है। और अब हम इसके अंदर टोमेटो प्यूरी डालेंगे, जिसको हमने मिक्सर में क्रश कर लिया था, दो बड़े टमाटर को अच्छे से मिक्स कर देंगे इसको। और ये अच्छे से मिक्स हो रहा है। और अब हम इसके अंदर टमाटर और कैप्सिकम मिर्च को हमने बारीक काट लिया, वो डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे इसको। और ये हमारे मसाले अच्छे से मिक्स हो गए। अब हम इसके अंदर मटर डालेंगे, मटर के दाने अच्छे से मिक्स करेंगे इसको। अब हम इसके अंदर ड्राई फ्रूट डालेंगे, जिसको हमने मिक्सर में क्रश कर लिया था। और हम मूंगफली का क्रश भी डाल देंगे इसके अंदर हम। और अब हम इसके अंदर हम तिल डालेंगे, जिसको भी हमने क्रश कर लिया था मिक्सर में।
और ये सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसे अच्छे तरह मिक्स हो जाए। हमें थोड़ा सा तेल ऊपर से डाला है, करीबन 2 चम्मच बड़े चम्मच, और ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसके अंदर दही डालेंगे। जो उसका पानी है वो भी डालेंगे और इस सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। दही से इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। और ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसके अंदर 1 कप पानी डालेंगे और अब हम फ्लेम को बढ़ाएंगे थोड़ा सा और इसको अच्छे से पकने देंगे और अच्छे से मिक्स होने देंगे। बढ़ाएंगे इसे और ये अच्छे से मिक्स हो गया है और ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसके अंदर रेड चिली पाउडर डालेंगे, लाल मिर्च डालेंगे इसके अंदर हम, या आप हमारे स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। ये धनिया पाउडर है, हल्दी डालेंगे थोड़ी सी, नमक डालेंगे हम इसके अंदर, नमक भी आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। अगर आपको स्पाइसी थोड़ा रखना हो तो आप थोड़ा सी और लाल मिर्च डालें और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे हम। और ये अच्छे से मिक्स हो गया। अब हम इसके अंदर ऊपर से थोड़ा सा तेल डालेंगे, करीबन 2 चम्मच और, इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये बहुत अच्छा दिख रहा है और ये दम आलू की ग्रेवी तो अच्छे से तैयार हो चुकी है। और अब हम इसके अंदर ऊपर से जो हमने पाउडर गरम मसाला लिया था दम आलू का, वो डालेंगे। फ्रेंड्स, ये ध्यान में रखना होगा कि ये गरम मसाला जो है पाउडर, वो हमें बाद में ही डालना है इससे ऊपर से, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और बहुत ही टेस्टफुल हो जाएगा। और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे कि पूरी तरह से मसाला मिक्स हो जाए। और ये हमारी ग्रेवी बहुत अच्छे से तैयार हो चुकी है और सभी मसाले ऐसे मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर चाट मसाला डालेंगे ऊपर से, करीबन 1/2 चम्मच, और अच्छे से मिक्स कर देंगे इसको। ये बहुत अच्छा दिख रहा है और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और फ्रेंड्स, अब हम इसके अंदर आलू डालेंगे जिसको हमने पहले से ही बॉईल कर लिया था, और ये बहुत ही अच्छा दिख रहा है और बहुत ही टेस्टफुल है। इसको हम बहुत ही अच्छे से मिक्स कर देंगे, सभी मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए। और फ्लेम को अब हमें मीडियम ही रखना है। अब हम इसे ऐसे ही 2 मिनट के लिए रहने देंगे, जैसे ही सभी मसाले और ये आलू है वो बहुत ही अच्छे से पक जाए और अच्छे से टेस्ट मिक्स हो जाए इसका। तो फ्रेंड्स, अब 2 मिनट के लिए हमें इसको ऐसे ही रहने देंगे और 2 मिनट हो चुके हैं और ये आलू और सभी मसाले अच्छे से पक गए। और फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा दम आलू विथ ड्राई फ्रूट तैयार। और फ्रेंड्स, अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेंगे। ये बहुत ही अच्छा दिख रहा है और बहुत ही टेस्टफुल है। फ्रेंड्स, हमने हमारी डिश दम आलू विथ ड्राई फ्रूट की अच्छे से प्लेटिंग कर ली है और ये बहुत अच्छा दिख रहा है। अगर फ्रेंड्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे इस वीडियो को लाइक करें। एंड थैंक यू फ्रेंड्स, लेट्स एन्जॉय इट।